आज दोस्तों क्या है, आज नया टॉपिक है। आज क्या है, अपना मध्य विचलन पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य विचलन। इसके पहले अपन को पता है कि अपन बहुलक पढ़ चुके हैं, माध्यिका पढ़ चुके हैं, समांतर माध्य पढ़ चुके हैं और चतुर्ग विचलन में चतुर्ग विचलन गुणांक पढ़ चुके हैं। आज नया टॉपिक है, क्या है, नया टॉपिक है माध्य विचलन। आज माध्य विचलन पढ़ेंगे। ये समझ लो पेपर में समझ लो 90% मिलने वाला है, 90%। अगर ऐसा हो कि एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए तो इसे ना रखें एग्जाम में, नहीं तो 90% चांस है कि आज इस बार माध्य विचलन आने वाला है। इस बार 2022 के एग्जाम में माध्य विचलन मिलने वाला है। 100% नहीं कह सकते लेकिन 90% चांस है कि माध्य विचलन मिलेगा। तो माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है वो पढ़ेंगे और इसके बाद आएंगे सवाल के। जब तक अपन सूत्र का नहीं पता होगा तब अपन माध्य विचलन के अंदर नहीं जाए, क्यों माध्य विचलन को दो प्रकार से लगाए। अगर आपको समांतर माध्य आता हो और माध्यिका आती हो तभी आप क्या करोगे, माध्य विचलन ज्ञात कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि टॉपिक किस प्रकार से पूछता है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर वो पूछ रहे क्वेश्चन पहला, माध्य विचलन लेन माध्यिका से ज्ञात करो, ठीक है, तब ऐसा सूत्र आएगा। तब आपको कौन सा सूत्र लगेगा, देखो माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ क्या है चिन्ह लगेगा। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एम बॉन्ड बटे में क्या रखेगा जाएगा, बटे में एन बटे में क्या रखेगा, एन रख दिया जाएगा। ये क्या हो गया, देखो ये क्या है, माध्य विचलन का सूत्र। अब माध्य विचलन का कौन टाइप से सूत्र है, ये है माध्य विचलन ज्ञात करो। माध्य विचलन ज्ञात करो किससे करो, माध्य से ज्ञात करो, माध्यिका से ज्ञात करो। क्या करो, माध्य विचलन माध्यिका से ज्ञात करो तब ये सूत्र है। आपको पता है माध्यिका किस चीज से दर्शाई जाती है, एम से। अपन को पता कहाँ से चल रहा है, एम लगा माध्यिका काय से दर्शाते, एम से। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बात समझ में आ जाना चाहिए, माध्य विचलन समांतर माध्य से ज्ञात करो। समांतर माध्य से ज्ञात करो तब सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बार बटे एन। देखो जब तक आपको माध्य का समांतर माध्य नहीं आए तब तक क्या आप खूब माध्य विचलन नहीं लगा सकते। इस बात का आपको माध्य विचलन और माध्य का समांतर माध्य और माध्य का आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, माध्य का और समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं, माध्य का को एम से दर्शाते हैं। क्योंकि सवाल अगर पूछे कि माध्य विचलन ज्ञात करो, डायरेक्ट क्या पूछेगा, माध्य विचलन ज्ञात करो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें से जौन सूत्र आता हो और जौन विधि आपको आती हो वो उससे लगा दीजिए। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले माध्य विचलन ज्ञात करो माध्यिका से तब आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, और अगर वो पूछ ले माध्य विचलन ज्ञात करो समांतर माध्य से ज्ञात करो तब क्या ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा, इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना है। लेकिन अपन को ये जब ये चीज़ पूछ रहा है, ये शब्द पूछ रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए तभी आप क्या करेंगे, माध्य विचलन।
तो अपन क्या है, दोनों चीजें के सूत्र बनो पता चल गए, तो आप इसकी विधि की ओर आगे चलेंगे। ठीक है, सूत्र लिख लेना, वीडियो रोक कर। अपना टॉपिक क्या है, माध्य विचलन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माध्यिका से ज्ञात करेंगे। किस चीज से करेंगे, माध्यिका। माध्यिका से क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे माध्यिका से, क्या करेंगे समांतर माध्य विचलन, क्या है काय से ज्ञात करेंगे, माध्यिका। माध्यिका का एम से दर्शाते, काय से दर्शाते, एम से। माध्यिका काय से दर्शाते, एम से दर्शाते। तो सबसे पहले सवाल देख लीजिए, सवाल पता है भाई, सभी सवाल एक से होते हैं, बस उसमें क्या होता है कि कौन सी विधि लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, बर्ग पढ़ा है अपन ने, यहाँ पर क्या है एम बारंबारता, तो यहाँ पर अंतर देख लो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको पता है। यहाँ पर देख लो 2, 4, 9, 5, 3, ये क्या हो गया अपना सवाल, हो काय का हो गया, माध्य विचलन का सवाल हो गया। लगा उसने क्वेश्चन क्या कर दिया है, माध्य विचलन ज्ञात करो माध्यिका से, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको माध्यिका विधि लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको देखो सूत्र लिख लिखने दे रहे हैं हम, उसी के माध्यम से अपन आगे बढ़ेंगे। जब तक सूत्र नहीं पता होगा, सूत्र यहाँ लिख देंगे, सिग्मा एफ वंड एक्स माइनस एम बटे एन। देखो भाई एफ का मान तो देखो यहाँ पर मिल गया, एन का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ टोटल जोड़ेंगे तभी मिलेगा। एक्स का मान कहाँ से निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। माध्य का ज्ञात सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से चलना है, क्योंकि आपको देखना है एम दिया है तो क्या पूछ रहा है, माध्यिका से ज्ञात करो। तो माध्यिका का सूत्र क्या है, माध्यिका से लगाने वाला सूत्र ए है। तो इसमें देखो सबसे पहले माध्यिका शब्द एम दिया है, तो अपन सबसे पहले अपन को माध्यिका का मान निकालना है। इस शब्द का मान निकालेंगे सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या बनाने, सी एफ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, संचय बारंबारता के लिए यहाँ से 2 लिए, फिर 2 को इसमें 4 में जोड़ दिया, कितने 6 हो गए, 6 को ऊपर 9 में जोड़ दिया, कितने हो गए 15, 15 को 5 में जोड़ दिए, कितने हो गए 20, 20 को 3 में जोड़ दिए, कितने हो गए 23। ये क्या निकल आया अपन को, एन का मान कितना हो गया 23 हो गया, एन का मान कितना हो गया 23 हो गया। अब देखो जब अपन को ये चीज़ मिल गए, तो एक सूत्र अपन को पता है माध्यिका ज्ञात करते हैं तो एन बटे 2 लगता है सूत्र, एन बटे 2, तो एन का मान कितना है, एन का मान 23 है, तो यहाँ पर रख लो 23/2, 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 11.5, काय का मान है एन बटे 2। अब देखो एन बटे 2 का मान इसमें देखो कौन संख्या के अंतर्गत, संचयी बारंबारता में देखेंगे एन बटे 2 का मान कहाँ मिलते हैं, 11 मतलब कौन सी संख्या मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 में है नहीं, 6 में है नहीं, लेकिन 15 की गिनती में तो आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे अंडर राउंड कर लेंगे। समझ लो अभी क्या लगा रहे हैं अपन, माध्य का ज्ञात कर रहे हैं, बस अभी क्या ज्ञात कर रहे हैं माध्य का, तो माध्य का तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या गया अंडर राउंड। अब देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माध्य का सूत्र, माध्य का कैसे लिखेंगे, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ, एल का मान। देखो जब अपन ने अंडर राउंड इस संख्याओं कर ले, आपको पता है हम बता बार बार बता दें, इस साइड की संख्या को लो कहते हैं, साइड की संख्या को हाई कहते हैं, मतलब निम्नतम संख्या ये उच्चतम संख्या, तो इसमें निम्नतम संख्या कितने, एल का मान कितना है 20 है, एल का मान कितना है 20 है, ठीक है। एन बटे 2 का मान 11.5, सी का मान आपको पता है जहाँ मिलती है संख्या उसकी जस्ट ऊपर वाली संख्या उस सी का मान कहते हैं, मतलब कितने 6 है अपने, सी का मान कितना है 6 है।
इसके बाद जस्ट जहाँ पर संख्या मिलती है सी एफ में, तो उसी के जस्ट सामने वाली संख्या कहाँ होती है अपना एफ का मान, क्योंकि बारंबारता एफ है, तो एफ का मान कितना हो गया, 9 हो गया। एच का मान, अब भैया एच का मान भी पता है अपन को, जितने का अंतर होता है बारंबारता में, वर्ग में, वर्ग में जितने के वर्गों का अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं अपन, एच का मान। यहाँ पर कितने 10 का देगा, 10 से 20 के बीच में कितने का 10 का है, और 20 से 30 के बीच में भी 10 का है, तो इसमें सभी में 10 का अंतर दिया, इसलिए अपना एच का मान कितना हो गया, 10 होगा। इसे सॉल्व कर देंगे, 20 प्लस यहाँ से कटाओ, कितने बचेंगे 5.5, कितने बच जाएंगे, तो ये 10 का इसमें गुणा हो जाएगा 9, 20 गुणे कितने 55.9, नौ छिक 54, यहाँ काट दो, 9 6 54, 0.5 लग जाए, कितने बचे 1 बचा, तो 1 भी और चला जाए, फिर 1 बचा, तो 6.5 कितना आ जाएगा 11, इसमें जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 6.11, क्या हो जाएगा 6.11, क्या हो जाएगा 6.11। ये क्या निकले यार, एम का मान, काय का मान निकल गया, एम का मान निकल गया। अब देखो ये सिस्टम को क्या करना है, थोड़ा तसल्ली पकड़ना है, क्योंकि तभी आपको इस सिस्टम को अपने ज्ञापन को ज्ञात करना माध्य व्यंजन। अभी क्या निकला है, इसमें क्या लिखा था, माध्य माध्य का से ज्ञात करना है, तो अपन ने माध्य का ज्ञात कर ली, मतलब एम का मान निकल आया। एस का मान चाहिए, एफ का है, एफ का कहा तो है पर यहाँ पर है, लेकिन एक्स का मान नहीं है, तो एक्स कहाँ से निकलता है वो भी, लेकिन अपन को जो चीज़ निकल आई उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या अपन लिख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है भैया बोर्ड की समस्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो एम बराबर कितने निकले 26.11, कितने निकलेंगे 26.11, ठीक है ये निकलेगा। अब देखो यहाँ पर n बटे 2 का मान कितना है 11, यहाँ पर लिख लो n बटे 2 का मान है 11.5, ये क्या हो गया, दो मान निकल के आ गए, ठीक है इसे हम मिटा देंगे, क्योंकि बोर्ड की कमी है, आपको लिखते जाना है, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ लिखना है, इसके बगल में नहीं है, इसके जस्ट नीचे करते जाना है, नीचे करते जाना है, लेकिन यहाँ पर बगल में नहीं, बगल में तो जब हमारे पास बोर्ड की कमी है, इसलिए हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अब इसकी क्या है आगे क्रम बनना है। अभी क्या है यहाँ पर, अभी कितने खाने बने हैं, 3 खाने बने, अभी क्या 3 और बनने वाले हैं, वो कैसे बनने रहे हम बताएंगे आपको। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले आपको m चाहिए, तो m का मान तो निकाल लिया, अब x का चाहिए, तो x का मान कहाँ से चाहिए, x कहाँ से निकलता है माध्य, s का मतलब होता है माध्य, मतलब वर्ग के इन दोनों के बीच, बीच को क्या कहते हैं माध्य, मतलब इन दोनों की संख्या को जोड़ो और 2 का भाग दे दो तो क्या हो गया 0, 10 को जोड़ेंगे कितने आएंगे 10, 10 में 2 का भाग दे दो कितने 5, कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। इसके अलावा अपन और देखेंगे 10 और 20 को जोड़ेंगे कितने हुए 30 में 2 का 15, इसी प्रकार से हम सारे करते जाएंगे 25 35 45 45, ये क्या हो गया अपने x का मान निकले, x का कहाँ से निकला 0 10 को जोड़ा तो क्या हो गया 10 हो गया, 10 में 2 का भाग है 15, 30 और 20 को जोड़ा कितने हो गए 30, 30 में 2 का है तो 15, इसी प्रकार से 20 और 30 को जोड़ा कितने हुए 50, 50 में भाग दे दिया 2 का 15 25 आ गए सॉरी, 30 और 40 को जोड़ा कितने 70, 70 में 2 का भाग दे दिया कितने 35 आ गए, 40 और 50 जोड़ो कितने 90 होते, 90 में 2 का भाग दे दिया कितने आ गए 45, इसी प्रकार से अपने x का मान, x का मतलब होता है माध्य, इन दोनों बीचों की संख्याओं के बीच का अंतर उसे कहते हैं माध्य, ठीक है x का मान। अब देखो इसमें f चाहिए है, x है, m है, अपन को तो तीनों चीज़ें मिल गई, लेकिन अपन को इस चीज़ में रखना है इसके, तो अपन देखो सबसे पहले क्या करना है,
इतने को सॉल्व करना है, इतने को कितने को सॉल्व करना है, इतनी। देखो अपन को चाहिए थी जौन जौन चीज़ में चाहिए थी वो चीज़ अपने पास उपलब्ध हो गई है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो एक्स है माइनस एम, माइनस एम है। देखो ये बॉन्ड लगा है ये बॉन्ड, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर आप, इसका मतलब होता है कि आपकी संख्या माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन उसे प्लस में ही लिखा जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं आएगा, सिर्फ घटेगा जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, है कि नहीं। तो x का मान कितना है 5, m का मान कितना है 26, 26 से 5 चले जाएं कितने बचे 21.11, क्या बचे 21। एम का मान देखो यहाँ पर लिख देंगे 26.11, 26 एम का मान देखो माइनस के कितने हैं 26, एक्स का के हैं प्लस के, क्योंकि एक्स का मान ये सारा लिखा है, इस चीज़ का ध्यान करें, ठीक है। यहाँ पर क्या 26 में से 15 चले गए, कितने बचे 11.11, यहाँ कितने चले गए 1.11, यहाँ पर जाएंगे कितने बचे जाएंगे 35 चले गए। अब देखो यहाँ पर देखो 35 में से 26.11 जाने, कितने जाने, तो वहाँ पर कितने बचेंगे, इसको थोड़ा घटाने प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पर लिखेंगे 35.00, यहाँ पर लिख लो 26.11, 9, 8, 7, 7, 15 में 7 चलिए करने में 8.89, कितने बचे 8.89, यहाँ पर और घटाएंगे तो कितने बचेंगे 45 हो जाए, तो एक और संख्या हो जाए तो कितने हो जाए 18.89, कितने हो गए 18.89। ये क्या निकल आया, सवाल हो गया तगड़ा, थोड़ी क्या है कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्या है x माइनस एम का क्या हो गया मान निकलेगा, ये का है कि निकले, इतनी चीज का क्या निकले, अपना सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कितने लिखे x माइनस एम, यहाँ पर क्या है f है, जहाँ पर कोई चिन्ह ना लगा हो माइनस प्लस गुणा का, तो वहाँ पर क्या मानते हैं, वहाँ पर जहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर काय का चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह होता है। तो अब इसे हम पूरा लिखेंगे एफ एक्स माइनस एम, देखो एफ कहाँ पर है ए है, एक्स कहाँ है ए है, एम कहाँ है जी है। देखो अब देखो इतने का सॉल्यूशन तो ये है, मतलब एक्स माइनस एम का मान तो यहाँ पर लिखा है, एफ का मान यहाँ पर लिखा है, जब इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब माइनस का भी नहीं है प्लस का नहीं है, लेकिन ये क्या है सिर्फ का है कॉमन है इनमें, तो इन्हें क्या है बॉन्ड लगे, इन बॉन्डों की वजह से क्या होता है कि संख्या आपकी माइनस सिर्फ घटती बढ़ती है लेकिन चिन्ह नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर लगा, यहाँ पर कितने माइनस के बच रहे थे 21, माइनस के 11, यहाँ पर क्या है एफ है, एक्स माइनस एम का क्या है मान जी लिखा, एफ का मान ए लिखा, तो इन दोनों के बीच में किसी कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर अब देखो जब ये संख्या यहाँ पर लिखना है तो अपन क्या करेंगे, दो एफ के कितने हैं 2, अब मल्टीप्लाई ये संख्या तो इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव लगा दें, फिर 2 एकम 2,
दो दूनी चार, कितने आ जाए 42.22, कितने आ गया 42, क्योंकि एफ और एक्स माइनस एम का क्या हो रहा है गुणा, क्या हो रहा है गुणा, इस बात को ध्यान में रखें। 4 11.11 का तो 4 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या है 9.99 ये क्या है 9.99। अब क्या है 5 का गुणा करना है 8.89 में, तो 9×45 हाँ से लाई कितनी 4, 8×40 40 और 4 44 हाँ से लगाई 4, 8×40 और 4 कितने हुए 44, तो यहाँ पर लिख दे 44.45। अब है 18.89, तो फिर पढ़ेंगे 3 का, 9×3 = 27 हाँ से लगाएं 2 हाँ से लगाएं 2, 8×1=16 8×3=24 24×2=26 हाँ से लगाई 2। अब क्या है 8×1=16 8×3=24 24×2=26 समय लग जाए। अब 3×3 3 और 2 5 56.67 कितनी आ गए 56.67। अब क्या लगा है इन तीनों का क्या निकल आया, ये निकल आया पूरा साल। अब इन तीनों से कुछ इन सभी को जोड़ दो यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा लगा के क्या आ जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर सिग्मा में आंसर आ जाएगा क्या है यहाँ पर सिग्मा एफ कॉमन बॉन्ड माइनस एफ यानी एक्स एक्स माइनस एम ये हो जाएगा। इसका टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा तो टोटल जोड़ लेंगे 2 4 कितने हो जाए 6 6 और 9 15 15 5 20 7 27 हाँ सर लगाएं 2 ठीक है 2 4 6 6 9 15 15 4 19 19 6 25 25 2 27 हाँ सर लगाएं 2 4 6 6 9 6 9 15 15 4 19 19 6 25 25 2 27 दशमलव लग जाएगा हाँ से लगाएंगे 2 4 2 8 8 12 12 5 18 18 20 207.77 ये टोटल आ गया। अब देखो ये अपनी पूरी सारणी बन गई, क्या बन गई सारणी बन गई। अब देखो अब थोड़ा क्या है लंबा सवाल है तो लंबी जगह भी चाहिए है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा है अब देखो यहाँ पर हम देखो m का मान तो आपको यहाँ पर लिखा है n 11/2 का मान क्या है 11.5 यहाँ से अपन ने देख लिया था n का मान कितना लिखा 23। अपन को यहाँ पर चाहिए देखो इस चीज़ का मान j लिखा है n का मान 23 लगा, पूरी संख्या का अपन का क्या मान निकाला तो अपन इसको मिटा दो, इसको क्या कह देंगे मिटा देंगे यहाँ पर लिख लो 207.77/23 इससे क्या दे तो भाग अपना क्या निकल के आ जाएगा माध्य विचलन, क्या निकल के आएगा माध्य विचलन, इसमें भाग दे दीजिए आंसर निकलेगा। अपन क्या 207.77 में क्या देना है 23 से भाग देने तो अपन दे देंगे भाग, हमने डायरेक्ट दे दिया कितना आ जाएगा 9.03 आपको क्या है थोड़ा
धीरे से इसे दोबारा देखिए वीडियो को, और इसे लगातार आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है तो क्या लंबे में तो थोड़े लंबाई से कार्य से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माध्य विचलन को ज्ञात करना था काय से, माध्यिका से। अब माध्यिका से तो माध्यिका से ज्ञात करना था, तो अपन ने क्या किया, माध्यिका ज्ञात की। जब माध्यिका ज्ञात की तो अपना आंसर निकला 26.11। 26.11 तो अपना क्या माध्य ये है। एक्स निकलना, तो एक्स कहाँ से निकाला, वर्ग से निकाला, क्योंकि इन दोनों को संख्या 2 का भाग दे देते, यहाँ पर एक्स का मान निकल गया। एफ का मान तो पहले इसी सवाल में दिया था, एम का एम को एक्स से घटाया तो यहाँ पर जी निकला। अब क्या हुआ, एफ का एक्स माइनस एम से गुणा कर दिया तो ए निकल के आया। और जो इसका टोटल लिखा यहाँ पर रखा, एन का मान अपन को पता है, इसको जोड़ने से एफ को जोड़ने से एन का, तो अपन ने क्या किया 23 से भाग दे दिया। 23 से भाग दे दिया तो अपना 9.03 आंसर निकल के आया। कितना निकल गया, 9.03 क्या आंसर निकल गया। आपको समझ में आया होगा, इसे दोबारा देखिए। लेकिन भाई इस बार की गारंटी है कि 2022 के एग्ज़ाम में 90% इसके चांस है आने के, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। अगर आपको जो अगर देखो इसे लगाने में, जो डायरेक्ट इसे वीडियो को देख रहा होगा उसे तो समझ लो बहुत ही कम समझ नहीं आने आया, लेकिन अगर उसने खुद पास माध्य का आती होगी तो वो जरूर इसको लगा लिया, क्योंकि जल्दी समझ में आए, क्योंकि यहाँ से सवाल आगे बढ़ता है। कहाँ से, यहाँ तक तो सवाल माध्य का ही है, लेकिन यहाँ सवाल बनता है आगे, वो सिर्फ देखना है, वो ही सीखना है। क्योंकि सिर्फ ये बॉन्ड लगे ना, ये बॉन्ड का मतलब इतना है कि ये माइनस वाली संख्या आए चाहे प्लस वाली संख्या आए, उसे प्लस में ही लिखा जाता है, बस इतना मतलब है इसका। यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पे जो गुणा करने से प्लस वाली संख्या थी, यहाँ प्लस वाले से गुणा हुआ तो क्या जी संख्या निकली, इसका टोटल जोड़ दिया तो कोई भी मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, इस बात की देखो इस एग्जाम में ये 100% गारंटी नहीं दे सके, लेकिन 90% गारंटी देते, कोई कारणवश एग्जाम ने नहीं दिया, लेकिन हमारा कहना है कि ये 90% आएगा। 90%, क्योंकि इस बार हर क्या है क्वेश्चन किस प्रकार रोटेट होते हैं वो हमको पता है, क्योंकि इसके पहले क्या समांतर माध्य और बहुलक माध्यिका आ चुका है क्वेश्चन में, समास श्रेणी आ चुका है, तो इसके ज़्यादा इस बार चांस बढ़ गए, क्या इसके ज़्यादा चांस बढ़ गए। इसलिए चतुर्क विचलन आ जाए 50% की संभावना, लेकिन इसकी 90% संभावना है। हमारे हिसाब से तो पूरे सारे 15 टॉपिक पढ़ाए जाए, 15 पढ़िए, बेस्ट मज़ा आएगा, क्योंकि आपके किसी भी कारण कोई और सवाल जो मतलब 15 पढ़ाए, 15 से कुछ कहीं से भी आए तो आप कर सकते हो, आप इसी को पढ़ लोगे, कोई एक आध और टॉपिक पढ़ लो, कारण वैसे नहीं आया फिर क्या करोगे। इसलिए आप सारे टॉपिक पढ़िए जो इस वर्ष आ चुके हैं, पिछले वर्ष 21 में वो भी पढ़िए, जो उसके पहले आए वे भी पढ़िए, और जो हम नए पढ़ा रहे हैं वे भी पढ़िए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम ने, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ ये 90% मोस्ट इतना कह सकते हैं। तो आपको सारा सवाल समझ में आया होगा, वीडियो लेट हो रहे हैं क्योंकि दीपावली का समय था तो भी क्या गांव जाना पड़ा, तो गांव में क्या जाना मस्ती करके आए, तो जहां से लेट हो गए, इसलिए अब लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।